Okay, so I was lying there with my legs wide apart, and then he told me 150 रुपया देगा। तो और के आर्मी क्या चल रहा है? पता है ड्रामा चल रहा है, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर्स वाला ड्रामा चल रहा है। खैर यार, पिछले वीडियो में तुम लोग जो गांड बार सपोर्ट दिया ना भाई, उसके लिए मैं तुम लोग को बहुत बड़ी झप्पी देना चाहता हूँ। नहीं मतलब जिस तरह से तुम लोग सपोर्ट दिखाया ना भाई, पता चल गया होगा सबको कि भाई कौन कितने पानी में है। तो जैसे कि तुम लोग देख रहे हो कि हमारे सारे रोस्टर्स भाई आमिर भाई की कह के ले रहे हैं, जिसके बाद आमिर भाई की फट चुके, साफ शब्दों में कहें तो गांड फट चुकी है। तो भाई आए इंस्टाग्राम पे अलग ही लचाड़ के साथ। इस बार भाई IGTV की वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, इस बार भाई जो है स्टोरी लगा रहे हैं, क्योंकि IGTV वीडियोस में जो भाई को प्यार मिला है ना हमारी पब्लिक द्वारा, भाई मैं बता रहा हूँ ये प्यार उनको कभी नहीं मिला होगा। खैर आमिर भाई, गांड में उंगली करोगे ना तो स्मेल आएगी। खैर आमिर भाई ने कुछ स्टोरीज लगाया, जहाँ उनका कहना था व्यूज बनाए, मेरे को रोस्ट किया, मेरे को ट्रोल किया, मैंने देखा, मैंने सारी चीजों को पॉजिटिवली लिया। क्यों पता है? क्योंकि मैं पहले लोगों का रोस्ट या जोक्स ये सब देख के मैं बहुत हंसता था, तो आज जब पहली बार खुद के साथ हुआ तो मेरे को और खुशी हुई और मैंने पॉजिटिवली लिया। और आप लोग की वजह से मेरे रियान, थैंक यू सो मच फॉर इंक्रीजिंग माय फॉलोअर्स और मेरे प्रोफाइल विजिट्स बढ़ाने के लिए। लव यू ऑल अलॉट। लॉन्डो सुनो, ये जो टेक्निक है ना, ये बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है और इसका नाम है दर्द छुपाने की निंजा टेक्निक। नहीं मतलब पता है गांड फटके 40 हो गई है फिर भी चेहरे पे नहीं दिखाना। और तुम लोग मानो या ना मानो, हमारे आमिर भाई जो है ना वो बहुत ही उमदा एक्टर है। नहीं मतलब देख रहे हो चेहरे पे बिल्कुल भी दर्द नहीं दिख रहा है, जिसको देख के ना अच्छे अच्छे एक्टर भी रो रहे हैं। किलर भाई, किलर, बहुत ज्यादा किलर। खराब आते हैं इनके अगले भाषण पे, जहां इन्होंने ये कहा सारे यूट्यूबर्स के लिए नहीं था। मैंने दो बार क्लियर कर दिया कि सब यूट्यूबर्स को मैंने नहीं बोला था, सच में सारे यूट्यूबर्स के लिए नहीं था। लॉक कर दूं? तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन के वीडियो तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर की वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे। अगर मेरे कान सही है ना, तो भाई साहब ने बोला था यूट्यूब कम्युनिटी। और भाई ये जो भाई बहन जो वीडियो है ना, ये हम रोस्टर्स नहीं बनाते, ये फाइनर्स बनाते। तो भाई तुम किसको टारगेट कर रहे हो पहले डिसाइड कर लो। हेलो लॉन्डो, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ ना, तो भाई साहब ने सोचा होगा कि भाई मेरी इतनी अच्छी तगड़ी फैन फॉलोइंग है टिकटॉक में, इंस्टाग्राम में अच्छे खासे फॉलोवर्स है, तो भाई रोस्टर्स क्या उखाड़ लेंगे मेरा। भाई बल्कि बहुत कुछ उखाड़ लिए आमिर भाई, जिसके कारण आपको अपना स्टेटमेंट भी बदलना पड़ रहा है, जहां आप चोरी लगा के बोल रहे हो सारे यूट्यूबर्स के लिए नहीं था। मोदी जी क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर इसके बाद भाई लाइव है, जहां इनका कहना था कि भाई रोस्टिंग जो है वो फॉरेन कंट्री का कल्चर है, कुछ इस तरह से, जिसके अंदर उसने लड़कियों को बॉडी शेमिंग किया और फालतू बातें थे टिकटॉकर्स लोगों को लेके रिलेटेड। तो मेरा पहली तो बात ये बोलना है कि तुम रोस्ट, पहली बात इंडियन कल्चर नहीं है रोस्ट करना किसी को, वो फॉरेन कंट्री से लिया गया हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है, इसको ये कल्चर वाली बात पे ना ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं, पर भाई ठीक है, माना रोस्टिंग जो है वो फॉरेन कंट्री का कल्चर है, पर ये जो टिकटॉक है वो कहाँ का माल है तुमको पता है ना? ये टिकटॉक तुम यूज करते हो, इसके पैसे कौन से देश को मिलते हैं तुमको पता है ना? हाँ, उसी देश को मिलते हैं भाई, जिसके कारण आज पूरी दुनिया परेशानी में है। और तुम लोग मानो या ना मानो, तुम उसी देश को सपोर्ट कर रहे हो, उसकी इकोनॉमी बढ़ा के, उसको पैसे दिला के, ठीक है। खैर इसके बाद भाई का कहना था कि इनकी फोटोज लगा के हम व्यूज छापते हैं। सबसे पहले तो भाई कुछ दिन पहले तू बोल रहा था रियान, थैंक यू सो मच फॉर इंक्रीजिंग माई फॉलोअर्स और मेरे प्रोफाइल विजिट्स बढ़ाने के लिए। भाई तू डिसाइड कर ले तू क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि तू मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है। भाई शांत हो जा, आराम से पानी वानी पी, भाई शांत हो जा, ठीक है। तू डिसाइड कर ले कहना क्या चाहता है, फिर उसके साथ बोल। नहीं पहले तू बोलता है कि हम तेरी फोटो लगा के व्यू छाप रहे हैं, फिर तू बोलता है कि हम तुमको फेमस करें। डिसाइड कर ले भाई, डिसाइड कर ले, कोई जल्द नहीं, आराम से डिसाइड करके एक बार स्टोरी लगा के फिर बोल दियो, ठीक है। और भाई तू जो फोटो की बात कर रहा, थंबनेल की बात कर रहा ना, भाई सुन, हमारे यूट्यूब में ना एक ऑप्शन है थंबनेल का, जिस वीडियो में हम जिसके बारे में बात करते हैं ना, हम उसकी फोटो लगा के थंबनेल बनाते हैं, जो तुम्हारे टिकटॉक पे तो नहीं होगा, ठीक है। और एक यूट्यूबर जिस बारे में वीडियो बनाएगा तो भाई उसी के बारे में तो फोटो लगाएगा, उसी का ही तो थंबनेल लगाएगा। और भाई सुनो, जहां तक तुम लोग छाती ठोक ठोक के कंटेंट करते हो ना, भाई शांत हो जाओ थोड़ा, क्योंकि 90% से भी ज्यादा कंटेंट है ना तुम्हारा भाई यूट्यूब से ही आता है, चाहे वो गाने हो या किसी बड़े क्रिएटर की लाइंस हो, जोक्स हो, भाई तुम्हारा सारी चीजें यूट्यूब से ही आती है, ठीक है।
तुम्हारे टिकटॉक में नहीं डलते ये। और क्रेडिट भैंस की वो क्या चीज है भाई, वो भी नहीं देते ये लोग। नहीं यार, मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे जहां मुझे डायलॉग्स देखे पीवी के वाइंस के, आशीष चंचलानी के, अमित बडाना के, कैरी मिनाटी के, राउंड टू हेल के, पर भैया क्रेडिट भाई वो क्या चीज है, वो तो बिल्कुल भी नहीं दिया इन्होंने। और भाई साहब ये लोग उसपे लिपसिंग करके मुजरा करके भैया उसमें लाखों व्यूज छाप लेते हैं, फॉलोवर छाप लेने, मतलब सो कॉल्ड कंटेंट देख रहे हो माय फ्रेंड। नहीं यार, मैं तो चाहता हूँ कि ये जो कॉपीराइट वाला सीन है ना टिकटॉक पे भी चालू हो जाए भैया। जब इनकी एक के बाद एक वीडियो जब टेकडाउन होना चालू होगी ना, तब इनको पता चलेगा असली कंटेंट क्रिएटर किसको कहते हैं। और हाँ यार, मैं तुम्हारे स्टोरीज और वीडियोस दिखा, जहाँ तुम लोग बोलते हो कि रोस्टर हमसे जलते हैं, भाई दूसरों का नहीं पता, मैं बहुत जलता हूँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत जलता हूँ ये देख के जलता हूँ। क्योंकि भाई जो नहीं साला, जो लोग एक्टिंग का अलग लेवल सेट किए इंडस्ट्री में, उनकी इतनी कम फॉलोइंग देख के, सपोर्ट देख के भाई हाँ मैं जलता हूँ। और भाई मैंने ये भी देखा कि एक बंदा बात कर रहे थे कि ये रियलिटी शो में गया है, मैंने ये गाना लिखा है बनाया है। भाई सुन, रियलिटी शो का ऑफर ना बहुत से यूट्यूबर्स को आता है, पर वो नहीं जाते, वो उनका अपना चॉइस होता है, पर वो चीख चीख के नहीं बोलते तुम्हारी तरह कि भाई मेरे को ये रियलिटी शो से ऑफर आया, यहाँ गया मैंने फलाना किया, ठीक है। पर हाँ भाई, जो गाने की बात करो ना, जिसमें बंदा बोल रहा था मैंने ये गाने लिखा है, गाया है, जो भी किया है, उसमें इतने फलाने व्यूज है, इतने ये है, भाई सबसे पहली बात तेरी गाना मैं कभी नहीं सुना, ठीक है, ना ही देखा है। और भाई तेरे अंदर इतना अच्छा टैलेंट है तो भाई उसको आगे लेके जाना। वैसे भी भाई आजकल गानों की बहुत ज्यादा जरूरत है बॉलीवुड में, क्योंकि ओल्ड गानों को ही रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। तो इतना अच्छा टैलेंट है तो उसको भाई रखना आगे यूट्यूब पे, क्यों भाई टिकटॉक पे मुजरा करता है, उसी को कंटिन्यू करना। यार मैंने ये भी देखा कि वो बंदा बोल रहा था कि भाई टिकटॉकर्स ने ये किया है वो किया है, भाई मेरी बात सुन, ठीक है, तुम मेरी बात सुन, ठीक है। जब तुम लोग मुजरा कर रहे थे ना टिकटॉक पे, तो बीवी की वाइंस भुवन बाम शाहरुख खान के साथ मिलके वीडियो बना रहा था। जब तुम लोग मुजरा कर रहे थे ना टिकटॉक पे, तो कैरी मिनाटी टॉम क्रूज के साथ मिल रहा था। तुम लोग जब मुजरा कर रहे थे ना टिकटॉक पे, तो आशीष चंचलानी स्टार कास्ट एवेंजर्स के स्टार कास्ट के साथ मिलके बैठ के एवेंजर्स देख रहा था। तुम लोग जब मुजरा कर रहे थे ना टिकटॉक पे, तो साइमन सेज प्यूडीपाई को इंडियन खाने खिला रहा था, ठीक है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। तो यार लास्ट में आमिर भाई को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि आमिर भाई सिंपत्ति कार्ड खेलना बंद करो, क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी में जो सबसे बड़ा रोस्टर है ना भाई, उसने एक ट्वीट भी किया है जिसको आप देख सकते हो, और भैया उसने एक स्टोरी भी डाल दिया है। तो भाई देखो, हमारी वीडियो से आपकी हाल ये हो रखी है, तो सोचो वो वीडियो बनाएगा तो क्या होगा। तो यार बस आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो, बाजू का घंटा उसको भी दबा दो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। मैं मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, इस पे पिछली वीडियो भी बनाया था तो वो भी देख लेना।